बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहां पर भारी बारिश का अलर्ट देखा जा रहा है। 27 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में अलर्ट है। 5 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में बाढ़ के हालात जताए जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हम आपको वो हर तस्वीर दिखा रहे हैं जो बारिश से जुड़ी हुई है। चाहे फिर महाराष्ट्र की बात हो जहां पर ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग भारी बारिश का अलर्ट है, और इसके साथ अलग अलग वो तस्वीर जो बारिश के साथ जुड़ी हुई है। मौसमी दंड है, सैलाब प्रचंड है। हर तस्वीर आपको भारत एक्सप्रेस यहां पर दिखा रहा है बारिश के साथ जुड़ी हुई। अगस्त में जल तांडव किस तरीके से है ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बारिश के साथ जुड़ी हुई है। खासकर दिल्ली जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यही हाल हिमाचल प्रदेश का है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। और बारिश पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाराणसी से विमलेंद्र जुड़ चुके हैं और दिल्ली से रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विमलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, वाराणसी में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, क्योंकि सकरी गलियां हैं वहां पर, पानी को पास कराने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, खासकर वो बनारस का इलाका जो सबसे ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण होता है। जी सूर्य, आपको बता दूं कि इस समय मैं वाराणसी के नमो घाट पे हूँ, जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जैसा कि अभी आप पीछे देखेंगे कि ये नमो घाट है। इस नमो घाट पे अगर बात करते हैं तो आज नमो घाट पे जो यहाँ पे दिन और रात चहल पहल रहती है, हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से पर्यटकों को रोक दिया गया है। और अब यहाँ पे एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चूंकि बनारस में आज तो माँ गंगा का जो पानी है वो स्थिर है। 68 अगर बात करते हैं तो 68.50 पॉइंट पे इस समय पानी आज स्थिर है। लेकिन जो पिछले उत्तर प्रदेश सरकार या मानसून के द्वारा जो घोषणा की गई, जो जानकारी दी गई, 3 दिनों तक की लगातार भारी बारिश को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। और बात करें अगर सकरी गलियों का, तो सकरी गलियों में भी नगर निगम, जो अभी पिछली बारिश जो हुई है उस बारिश में नगर निगम के कर्मचारी तो दिन रात लगे हुए हैं काम को करने में। लेकिन अगर बाढ़ की बात करेंगे तो बाढ़ से ये आने वाला समय जो है एक निश्चित ही गंभीर होगा, क्योंकि 3 दिन की लगातार बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में निचले इलाकों में अब माँ गंगा का पानी जो है वरुणा नदी के रास्ते प्रवाह करते हुए अब घरों में घुसने चालू हो गया है। राहत कार्य हालांकि जारी है, लेकिन इससे काफी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लोग भी अगर बात करें तो रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्रा दयालु या अनिल राजभर बाढ़ क्षेत्र का प्रभावित इलाकों में दौराए कर रहे हैं। जिलाधिकारी एस राजलिंगम अभी कल रात को ही और मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा ने NDRF के साथ, PSC के जवानों के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पे बाढ़ बचाव से राहत के लिए लोगों को समीक्षा करते हुए अधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी एवं निर्देश देते हुए मुकम्मल व्यवस्था की बात कही है। सूर्या जी, बिल्कुल विमलेंद्र, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। रमेश का रुख करेंगे दिल्ली में, रमेश की मौजूदगी है। रमेश, दिल्ली में कहाँ कहाँ जमकर बारिश हो रही है, क्योंकि अलग अलग इलाके हैं, कहीं पर झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है। पहले अपडेट दीजिए बारिश को लेकर, और दूसरा है कि अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती है तो दिल्ली के हालात क्या पिछले साल जैसे ही होंगे? रमेश, देखिए सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है, और उसके नाते आप देखिए कि हल्के से मध्यम बारिश हो रही है, और जिससे दिल्ली का जो मौसम है वो सुहाना हुआ है, जो तापमान में गिरावट आई है और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री पर है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मौसम में को सुहाना बनाने में मौसम का बड़ा योगदान है, और वो जो बारिश हो रही है उसके नाते कई अव्यवस्था भी फैल रही है। जगह जगह जो गड्ढे हैं सड़कों पे वो पानी भर जा रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जाम ज़्यादा लग रहे हैं। साथ ही साथ 4 जगहों से पेड़ उखड़ने की भी सूचना आई है कल रात में, और जो रास्ते बंद होने के नाते लंबे लंबे जाम लगे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, पर उससे जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आज तो रविवार है, रविवार के नाते छुट्टी है, इसलिए सड़कों पे लोग कम हैं। पर कल अगर आप शनिवार को देखें तो शनिवार की शाम पे रोहतक रोड पे लंबा जाम लगा हुआ था, जिससे कि आप देखिए कि वहाँ पे जो गड्ढे हैं सड़कों पे उस पे पानी भरा था और तमाम गाड़ियाँ उसमें फंसी हुई थी। तो मौसम विभाग का जो अनुमान है उनका ये कहना है कि बारिश होगी, मध्यम से धीमी बारिश होगी,
येलो अलर्ट जारी है और ये आगे 15 अगस्त तक की बारिश होने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे बारिश का जो मौसम है वो कम होगा, पर 15 अगस्त तक दिल्ली के लोग बारिश का आनंद लेते रहेंगे क्योंकि बारिश मध्यम से धीमी होगी। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारी के लिए। और विमलेंद्र राय हमारे साथ वाराणसी से जुड़े।